माटी के सपूत, मेरे माटी के सपूत, मेरे माटी के सपूत, मेरे माटी के सपूत। मेरे माटी के सपूत, मेरे माटी के सपूत, मेरे माटी के सपूत, मेरे माटी के सपूत। भुला दिया है हमने अपने माटी के सपूतों को, मत भूलो मेरे देश के लोगों, बांके वीर शहीदों को। भुला दिया है हमने अपने माटी के सपूतों को, मत भूलो मेरे देश के लोगों, बांके वीर शहीदों को। जिस माटी का कर्ज चुकाने वीरों ने हैं प्राण दिए, जिस माटी के कण कण पर शक्त शक्त बलिदान हुए, जिनकी शहादत से मंगल है आज हमारा जीवन, जिनकी तेजमय प्रभा से गर्वित है जीवन के धन, जिनकी शहादत से मंगल है आज हमारा जीवन, जिनकी तेजमय प्रभा से गर्वित है जीवन के धन। वीर शहीदों की कुर्बानी मत भूलो मेरे देश, शांति एकता और प्रेम से बदलेगा ये देश। मेरे माटी के सपूत, मेरे माटी के सपूत। किसी भी देश की आजादी के पीछे राष्ट्र के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाले राष्ट्रनायकों, देश प्रेमियों और स्वातंत्र वीरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ऐसे ही अमर सेनानियों के बलिदान भरे रक्त से लिखा हुआ है, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर आजादी हमें विरासत में दी। 1857 से लेकर आजादी मिलने तक ऐसे वीर बांकुरों की शौर्य गाथाएं इतिहास के पन्नों में भरी पड़ी हैं। एक ओर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह, तो दूसरी तरफ थे संथाल विद्रोह के अग्रणी सिद्धो कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी और बिरसा मुंडा। आजादी की जंग लड़ने वालों में थे पटना के पीर अली, तो इस कड़ी को आगे बढ़ाने वालों में थे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और इनके जैसे अनेक क्रांतिवीर। और इन सब से थोड़ा अलग अंतर्राष्ट्रीय भूमिका में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इस स्वाधीनता संग्राम की एक बिल्कुल अलग और मजबूत पहल थी गांधी जी की अहिंसक क्रांति, जिसमें उनके साथ थे मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे साहसी नायक। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के कुछ पन्ने कोरे और सादे भी दिखाई देते हैं, पर इन पन्नों पर अदृश्य स्याही से ऐसे क्रांतिवीरों की कहानियां लिखी हुई हैं जिनकी कुर्बानियां औरों से कम नहीं हैं। भारत की आज़ादी के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ अनेक विद्रोह हुए, झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। देश की आज़ादी, अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए यहाँ की जनता ने काफ़ी संघर्ष किया और इस कोशिश में अपने प्राण भी गंवाए। वैसे तो इतिहास के पन्नों पर आज़ादी की लड़ाई का प्रारंभ 1857 के सिपाही विद्रोह से माना जाता है।
लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे भी लगभग एक शताब्दी पहले क्रांति की आग झारखंड में जलनी शुरू हो चुकी थी। अंग्रेजों ने जब झारखंड के जन जंगल जमीन के साथ साथ सामान और संस्कृति पर कब्जा करने का प्रयास किया, तब यहाँ के लोगों में देश प्रेम और प्रतिबद्धता उभर कर सामने आई। फलस्वरूप स्वतंत्रता संग्राम का पहला बिगुल झारखंड में ही फूंका गया, चुआड़ विद्रोह। श्रमिक सेन की बांग्ला में लिखी एक नजरे पुरुलिया, डॉक्टर वीर भारत तलवार की आदिवासी और आरएसएस एवं अयोध्या सिंह की लिखी पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में इस आंदोलन का जिक्र आता है। इसके अलावा पूरे झारखंड में इस आंदोलन के साक्ष्य अनेक स्थानों पर बिखरे पड़े हैं। झारखंड के इतिहास में ऐसे क्रांतिकारी अमर शहीद के रूप में पहला नाम आता है रघुनाथ महतो का, जिन्होंने 1769 से 1805 तक झारखंड में चले चुआड़ विद्रोह की अगुवाई की थी। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 150 किलोमीटर दूर और नीमडीह रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर पर स्थित घुटियाडीह गांव, एक ऐसा गांव जो घने जंगलों के बीच स्थित है। क्रांतिकारी रघुनाथ महतो का जन्म वर्तमान सरायकेला में खरसावां जिले के नीमडीह प्रखंड के घुटियाडीह गांव की इसी पावन भूमि पर हुआ था। रघुनाथ महतो बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे और किसी भी अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े मिलते थे। ये उनके वंशज हैं जो आज भी उनकी धरोहर को सुरक्षित रखे हुए हैं। रघुनाथ महतो इंग्रेजों संगे अनेक लड़ाई झगड़ा करे छिलो, निजर प्राण दिए दिलो। रघुनाथ महतो अंग्रेजों के संगे झगड़ा करे छिलो, से जन्म हुआ मारा गेलो। मैं रघुनाथ महतो का वंशज हूँ, वो लोग नवा पीढ़ी है। हम उनका वंशज हैं, उनका जन्म ये घुटियाडी गाँव में फाल्गुन पूर्णिमा 1738 में हुई थी। सरकार का खिलाफ अंग्रेज से इतना जोरदार खिलाफ किया जिसके चलते उसका चुआड़ विद्रोह के नाम में ख्याति हुआ। दरअसल जंगल महल इलाके में जो आदिवासी किसान जंगल साफ करके खेती करते थे, वही जंगल के जमींदारों के यहाँ अधिकतर सिपाही का भी काम करते थे। उन्हें काम के बदले जमीन दी जाती। तुमने सल्यूट नहीं किया। आगे चलकर अंग्रेज शासकों ने किसानों से जमीन छीनकर नए जमींदारों को बेचना शुरू कर दिया। आवाज उठाने पर उन्हें शारीरिक यातनाएं देकर भगा दिया जाता। फिर उनकी जगह बाहर से सिपाहियों की भर्ती की जाने लगी और अंग्रेज जमींदारों से मिलकर नई नई रियासतें बनाने लगे। यू ब्लडी इंडियन हुजूर, चुआ रोग तुम लोग कभी नहीं सुधरेगा। तुम लोगों को बोला था नील का खेती करने वास्ते, तुम लोग माना नहीं। यू ब्लडी इंडियन। तंग आकर उन्हीं आदिवासियों ने रघुनाथ महतो के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इसी का नाम चुआड़ आंदोलन था। भूली का कहिसला रघुनाथ दादा, उधर खेत में अंग्रेजी सिपाही हमारे काका को मार रहा का? अभी हमें कुछ करना होगा, बहुत हो गया। हाँ दादा, चल चलो। आज उनके बताए देवी थी। बिगुदा
है नहीं आवता नहीं चल हमारे संगे ए कका है नहीं आवता नहीं अरे उन्हें गड़बड़ सड़बड़ हो जाए है का गड़बड़ सड़बड़ हो जाए अरे वो अंग्रेज मरे काका के मारत है आज हमरे संगे हुई कल तोर संगे हुई अब ऐसा नहीं हुई थी अरे मंगरू जोहार चल उन्हें बात करो आप सबको मालूम है कि अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय से उसकी मिल्कियत पश्चिम बंगाल उड़ीसा जंगल महल छोटा नागपुर के हर इलाका को अपने कब्जे में ले लिया है और वे हमारे किसान और मजदूर भाइयों पर अत्याचार कर रहे हैं अब हमें इसका बदला लेना ही पड़ेगा यहाँ तक कि वो हमारे जमींदारों से भी कर और पैसा वसूल करने के लिए सेना भेजकर उन पर अत्याचार कर रहे हैं तो क्या हम हमेशा ये सब सहते रहेंगे विरोध करो विरोध करना इतना आसान ना लगे बाबू आसान तो ना लगे काका लेकिन कब तक हम लोग अंग्रेजों के अत्याचार सहते रहेंगे काका भाई हाँ। इसलिए हम चाहते हैं हम सब एक साथ मिलकर एक साथ जुटकर अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे 1766 ईस्वी में जब अंग्रेजी सेना नीमडी अंचल में राजस्व वसूली के लिए तबाही मचाने लगी तो रघुनाथ महतो का दिल अंग्रेजों के अन्याय और उनके द्वारा किसानों को दी जाने वाली यातनाओं से भर गया फलस्वरूप उनके मन में अंग्रेजों के लिए नफरत की तेज चिंगारी अभी तक लगान नहीं दिया इनको टॉर्चर करो यस सर लगान नहीं भरा यू ब्लडी इंडियन तुम लगान क्यों नहीं दिया परसा भाव से धान नहीं होने से लगान हम नहीं भर पा रहे बाल बच्चा को रोजी रोटी चलाना हमारा मुश्किल हो रहा है हमारे हुकूमत में सांस लिया लिया लगान क्यों नहीं दिया क्यों नहीं दिया ये लो और तुम लोग तुम ज्वार लोग कभी नहीं सुधरेगा कभी नहीं सुधरेगा ये लो वर्ष 1769 फाल्गुन पूर्णिमा का दिन रघुनाथ महतो ने ग्राम नीमडी के एक मैदान में सभा करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का पहला शंखनाद किया प्रतिदिन अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार से हमारे गांव के लोग और किसान मजदूर भाई परेशान हो गए अब इन अंग्रेजों को अपने इलाके में तो क्या इस देश में भी नहीं रहने देंगे आप लोगों ने देखा कि राम वृक्ष काका के शरीर पर अंग्रेजों ने कैसा कोड़ा बरसाया उनकी जमीन छीनकर अपना अधीन कर लिया भाइयों अब हम उनके जुल्म नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नीमड़ी अंचल में हुई घटना से मेरा मन बहुत दुखी है इसलिए हम इन अंग्रेजों को यहाँ से भगा के रहेंगे उनकी इस हरकत से हमारी माँ बेटियों का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है बंधुगण उनके पास बंदूक और बारूद है तो क्या हुआ हमारे पास तीर धनुष और कुल्हाड़ी है हम इन्हीं से अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाएंगे 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 आइए आज इस ऐतिहासिक मैदान में हम एक शपथ लेते हैं और एक नारा बुलंद करते हैं अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज वो अपने साथियों के साथ गांव-गांव में बैठकें करते और अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा बुलंद करते अंग्रेजों को भनक न लगे इसलिए वो रात को गांव में जाते और दिन के वक्त जंगलों में बैठक किया करते बाद में यही स्थान रघुनाथपुर के नाम से जाना गया सिपाही विद्रोह संथाल विद्रोह जितना विद्रोह हुआ उसके पहले विद्रोह किया था माने इंग्रज के खिलाफ में रघुनाथ महतो जब ही रघुनाथ महतो आंदोलन किया उन लोग का विरोध में रेंट वगैरह के बारे में जबरदस्ती अनाज घर से उठा करके ले जाना
बकरी माने खासी ले जाना, मुर्गा ले जाना, उसका विरोध करने लगा। तो लोग बोला ये आदमी चुहाड़ है, चुहाड़ है, ये चुहाड़ लोग ही सब करता है। चुहाड़ शब्द होते हैं जैसा बोलता है कि आदमी गुंडा है, तो वही उस टाइम उसको चुहाड़ बोल करके मैंने आख्या दिया। तो ये चुहाड़ आंदोलन शुरू हुआ। ये घुटिया डी गांव है जहां रघुनाथ महतो का पुराना घर था। ये है उनका घर आज की स्थिति में। अब चलते हैं उनकी जन्मस्थली। यही है रघुनाथ महतो का जन्म स्थान, उनकी जन्मस्थली। और ये है घुटियाडीह गांव का वो तालाब जहां रघुनाथ महतो प्रायः स्नान किया करते थे। ये सारी जमीन कभी रघुनाथ महतो की थी, आज उनके वंशज इसे धरोहर के रूप में सहेज कर रखे हुए हैं। अंग्रेजों को आंदोलन के रुख का पता न चल पाए इसलिए रघुनाथ महतो प्रायः दिन में जंगलों में पेड़ों के पीछे छिपकर अपने साथियों के साथ आंदोलन को तेज करने के लिए सभाएं किया करते थे। जंगल का ये पेड़ आज भी मौजूद है। और ये है वो कुआं जिसका पानी सभा के दौरान उपयोग में लाया जाता था। उस समय यह सारा घनघोर जंगल हुआ करता था जहां उस समय रघुनाथ महतो की सभाएं हुआ करती थी। खरसावां जिले के पातकोम गांव में स्थित ये खंडहर उस वक्त नील कोठी हुआ करता था, जो आज भी चुआड़ विद्रोह की कहानी कहता है। अंग्रेज ग्रामीणों से जबरन नील की खेती करवाकर इसी कोठी में जमा किया करते थे। ये पश्चिम बंगाल का बागमुंडी पहाड़ है जहां से रघुनाथ महतो अक्सर अपने आंदोलन को अंजाम दिया करते थे। यह रघुनाथपुर गांव का वो खंडहर है जो उस जमाने में अंग्रेजों की छावनी हुआ करता था। और इस जगह रघुनाथ महतो ने अपने आंदोलन की धार तेज की थी। ये वो जगह है जहां चुआड़ आंदोलनकारियों को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। उन शहीदों की याद में पश्चिम बंगाल सरकार ने यह स्मारक बनवाया। धाल भूमगढ़, नरसिंहगढ़ का किला, जहां के राजा जगन्नाथ धल ने रघुनाथ महतो के आंदोलन में अपना भरपूर सहयोग दिया था। रघुनाथ महतो यहां अक्सर आते थे और आंदोलन को आगे ले जाने के लिए सभाएं किया करते थे। कई बार तो पुलिस से छिपने के लिए भी वो यहां आते थे। वैसे तो किला आज बिल्कुल बदल चुका है, फिर भी उन दिनों के कुछ साक्ष्य परछाई बनकर इसकी दीवारों पर आज भी मौजूद है। ये है किले की चार दीवारी। किले को तो अंग्रेजों ने आग लगाकर जला दिया था, मगर उसके अवशेष साक्ष्य के रूप में आज भी मौजूद हैं। ये प्रतिमा है नरसिंह राज के सेनापति की,
कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इनके हाथ काट दिए थे और इसे गड़खाई बोलते हैं। यह उस जमाने में सीमा रेखा हुआ करती थी जहां चुवाड़ विद्रोही छिपा करते थे। ये पीपल का वो पेड़ है जहां रघुनाथ महतो जगन्नाथ थल से अक्सर मिला करते और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि अंग्रेज सेना इस क्षेत्र में आने का दुस्साहस नहीं करती थी। ये है शहीद रघुनाथ महतो की स्मृति में बना इंटर महाविद्यालय, जो आज शिक्षा का दीप प्रज्वलित करने में प्रेरणा का काम कर रहा है। एक और स्मृति, रघुनाथ महतो प्रवेश द्वार। लोटा किता में स्थित ये वो अविस्मरणीय स्थल है जहां रघुनाथ महतो शहीद हुए और ये है उनकी समाधि का पत्थर, जहां हर साल उनका शहादत दिवस श्रद्धांजलि स्वरूप मनाया जाता है। जल्द ही रघुनाथ महतो ने जंगल महल जिले में काफी मजबूत संगठन बना लिया। इससे फायदा ये हुआ कि सन 1773 तक चुवाड़ आंदोलन का फैलाव नीमडी, पातकुम, बड़ा भूम, ढाल भूम, मेदिनीपुर, किंचुंग परगना, वर्तमान सरायकेला खरसावां, राजनगर से लेकर गमारिया तक हो गया। इससे घबराकर जंगल महल के जमींदार और राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दास्ता स्वीकार कर ली। उन्हीं दिनों लेफ्टिनेंट फर्ग्यूसन ने घाटशिला पर आक्रमण कर दिया। इस अप्रत्याशित आक्रमण से ढालभूम राज्य की सेना को हार माननी पड़ी। यहां तक कि अंग्रेजों की बात न मानने पर राजा जगन्नाथ ढल को किला छोड़कर भागना पड़ा। अब तक रघुनाथ महतो के समर्थक प्रत्येक इलाके में फैल चुके थे। रघुनाथ महतो ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, इसलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए वो यहाँ वहाँ छिपते रहे। यह आंदोलन नहीं दबेगा, यह आंदोलन सब जगह फैल चुका है। क्यों भाइयों, बात कौन भी आपके साथ है? किंचुक परगना की आप चिंता ही छोड़ दीजिए, हर नीमडी के लोग साथ यहाँ, राजनगर भी, बड़ा भूम भी, और मेदिनीपुर भी, और धालभूमगढ़ भी। अंग्रेजों ने तो बहुत चाहा कि हम उनके अधीन रहकर काम करें, किंतु वो हमसे कुछ हासिल नहीं कर पाए। गद्दारों से मिलकर के उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया, तब मजबूर होकर हमें यहाँ भागना पड़ा। हम गौरवान्वित महसूस करेंगे चुवाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो का साथ देकर। पिपला की इस पावन धरती पर चुवाड़ विद्रोह में आपका स्वागत है। रघुनाथ महतो और जगन्नाथ ढल को पकड़ने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गुडियार को सौंपी गई, लेकिन वो दोनों पुलिस के हाथ कभी नहीं लगे। सुना है जगन्नाथ ढल रघुनाथ महतो से जाकर के मिल गया है और इन लोगों ने मूवमेंट और तेज कर दिया है, इसलिए जाकर के जल्द से जल्द इन दोनों को अरेस्ट करो। यस सर। वो अलग अलग जगहों पर मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाई।
अंग्रेजों ने ज्वाड़ विद्रोह की आक्रामकता को देखते हुए छोटा नागपुर को 1773 में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। पहले ये पटना प्रेसिडेंसी के अधीन था। 1774 में रघुनाथ महतो ने धालभूम से सटे किंचुंग परगना के मुख्यालय गोविंदपुर में पुलिस फोर्स पर जोरदार प्रहार किया, जिसमें अनेक पुलिस वाले मारे गए। इस घटना से ऐसा प्रभाव पड़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किंचुंग परगना पर कब्जा करने का विचार ही छोड़ दिया। इसी वर्ष रघुनाथ महतो ने जगन्नाथ दल और विद्रोहियों को लेकर धालभूम रियासत पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले कि अंग्रेज कुछ समझ पाते, बहरागोड़ा, नरसिंहगढ़, चाकुलिया, मुसाबनी, जामताड़ा के दर्जनों गांव आग की लपटों में धू धू कर जल उठे। 10 अप्रैल 1774 को हल्दी पोखर के सेनाध्यक्ष सिडनी स्मिथ ने मेदिनीपुर के रेजिडेंट को ज्वाड़ विद्रोहियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए आंदोलनकारियों पर काफी जुल्म किए। ज्वाड़ विद्रोह अब तक धामभूम, नीमडी, पातकोम, किंचुंग परगना तक ही नहीं बल्कि उत्तर में बड़ा भूम, पुरुलिया, झरिया, पंचेत, मेदिनीपुर इलाके के प्रत्येक गांव में फैल चुका था। सेटलमेंट ऑफिसर जेसी प्राइस ने लिखा है, कोई भी ऐसा अंचल या गांव नहीं बचा था जहां विद्रोहियों ने हमला न किया हो। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब हमको लगता है कि इनके कुछ करना ही पड़ेगा। जंग आजादी की ये एक ऐसी प्यास थी जो फिरंगियों का लहू पिए बिना तृप्त होना नहीं जानती थी। आजादी की ये दीवाने निरंतर गोरों को निस्त नाबूद करने की योजना बनाते रहते। मई 1774 को अंग्रेज सेना ने रघुनाथ महतो एवं उनके साथियों को बाघमुंडी पहाड़ के निकट घेर लिया। अंग्रेजों की आग उगलती बंदूकों के आगे विद्रोही टिक न सके। इस घटना के तुरंत बाद एक बैठक हुई। रघुनाथ महतो और उनके साथियों ने कसम खाई, उनका एक एक कतरा हमारे काम आएगा। आइए हम सब मिलकर आज ये कसम खाते हैं कि जब तक ये अंग्रेज हमारी इस जमीन को छोड़कर नहीं जाते हैं, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। सर, रिपोर्ट आया है आंदोलन कार्य का चेवर अग्रेसिव हो गया है। ये टाइम सोच बोझ से काम लेने का है। सर, तुम एक काम करो, तुम जाकर रघुनाथ माथो से मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने का कोशिश करो। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने विद्रोहियों की आक्रामकता को देखते हुए रामगढ़, छोटा नागपुर और खास तौर से जंगल महल के कमिश्नर को रघुनाथ महतो से बातचीत कर समस्या का समाधान निकालने को कहा। 5 अप्रैल 1778 को रघुनाथ महतो अपने साथियों के साथ सिल्ली के जंगलों में लोटाकिता के बीच सभा कर रहे थे। सभा में रामगढ़ पुलिस छावनी पर हमले की योजना बन रही थी। इसी बीच पुलिस ने रघुनाथ महतो और उनके साथियों को चारों ओर से घेर लिया। अंग्रेजों छोड़ो मुझे। यू आर अंडर अरेस्ट।
भारत माता की। अंग्रेजों को काफी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, पर वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। इसी बीच रघुनाथ महतो को गोली लगी और देश के लिए सबसे पहले उन्होंने अपनी शहादत दी। महानायक शहीद रघुनाथ महतो जैसे क्रांतिकारी झारखंड ही नहीं पूरे देश के गौरव पुरुष हैं, जिन्होंने हमारे आने वाले कल के लिए और भावी पीढ़ियों के लिए अपना बलिदान किया था। आज हमने जो विकास की भव्य इमारतें खड़ी की हैं, उसकी नींव में रघुनाथ महतो और उन जैसे असंख्य शहीदों का लहू मिला हुआ है, जिनकी आत्माएं और भले ही कुछ न चाहें अपने लहू का सम्मान जरूर चाहती हैं। और इस सम्मान में ही छिपी है हमारी अस्मिता, हमारी स्वतंत्रता, हमारा अस्तित्व। मेरे माटी के सपूत।